तो यार आज है अपना पबजी मोबाइल में कॉन्कर रैंक पुश का दूसरा दिन। वैसे अगर मैं बीजीएमआई से कंपेयर करूँ तो पबजी मोबाइल में एकदम ना के बराबर हैकर है, लेकिन ये वाले मैच में अपने एक हैकर आ जाता है जिससे अपनी लास्ट में फ़ाइट भी होती है। अब ये वाले मोड का गेम प्ले वैसे तो मैक्सिमम आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा है फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये वाले मोड में क्या सीन रहता है कि मैप में टोटल 6 ऐसे छोटे छोटे टेम्पल रहते हैं जिन पे उतरने पे अपने को रिकॉल मिलता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में रिकॉल के लिए मैक्सिमम बंदे इन्हीं जगहों पे लैंड करते हैं, एंड रिकॉल के साथ में इन जगहों पे लूट भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। हर एक टेंपल पे आपको एटलीस्ट एक ड्रॉप वेपन साथ में वेब शूटर और वो जो भागने वाला शेर रहता है वो मिलता है। बाकी जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यार आजकल आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। अगर आपको गेम प्लेस अच्छे लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करो। फिलहाल के लिए अभी भी यहाँ पे ऊपर वाली साइड से मेरे को एक और बंदे का साउंड आ रहा था, तो ये वाले बंदे पे मैं नेड करने का ट्राई करता हूँ। ये बंदा बिजी फिनिश हो गया। फिलहाल के लिए यहाँ पे और कोई बंदा बचा नहीं था, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं पहले लूट कर लेता हूँ। अपने को AWM प्लस यहाँ पे एटैक्स भी मिल गया था। अब यहाँ पे अपनी लूट कंप्लीट करके डायरेक्ट मैं जोन के सेंटर वाली साइड पे आता हूँ, एंड यहाँ पे एक मेरे को नई सी बिल्डिंग दिखती है। अब इस जगह पर मैं पहली बार आया था क्योंकि ये सारे अपडेट BGMI में आए नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं आके रुकता हूँ, एक बंदे का साउंड तो यहाँ पे मेरे को नीचे वाली साइड से आ रहा था। मेरे को लग रहा था बंदा मे भी अपने लेफ्ट साइड में कैम्प करके बैठ रखा है। एक बारी मैं नेट पिन करके चेक करता हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा साउंड देता नहीं। इसके बाद मैं सोचता हूँ एक नेट ट्राई करूँ। अब यहाँ पे मेरे को साउंड तो इसी जगह से आ रहा था, लेकिन यार ये जगह पे कोई बंदा था नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं लिफ्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, भाई बंदा लिफ्ट के अंदर बैठ रखा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड को चला गया था, वरना ये बंदा अपनी पेटी बना देता। लेकिन अभी भी ये वाली बिल्डिंग के ऊपर वाली साइड से मेरे को एक और बंदे का साउंड आ रहा था। लेकिन उससे पहले यहाँ पे नीचे वाले बंदे की पेटी से मैं AKM की जगह पे अभी MG3 उठा लेता हूँ, तो अभी बाहर वाली साइड से एक और बंदे का मेरे को साउंड आता है। अब यहाँ पे ऐसा सीन था, ये वाली बिल्डिंग जो है काफ़ी एक तो ऊंची बिल्डिंग है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सी है। यहाँ पे मेरे को आइडिया लग नहीं रहा था भाई ऊपर वाला बंदा कहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे स्टेयर से जाने में तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, तो मैं डिसाइड करता हूँ लिफ्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई करते हैं। एंड लिफ्ट के अंदर देखो यहाँ पे फ्लोर सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आ रहा है, तो डायरेक्ट अभी मैं यहाँ पे टॉप फ्लोर में चलता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने से पहले ही एक बंदे ने अपने सामने वाली साइड पे नेड कर दिया था। अब मेरे को साउंड तो इस बंदे का नहीं आ रहा था, लेकिन नेड आया था, तो इतना मैं कंफर्म था अपने ऊपर साइड पे बंदा तो जरूर है। अब ये बिल्डिंग में मतलब ऐसा सीन था भाई, मैं ऊपर जाते जा रहा हूँ लेकिन भाई बिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। अब मेरे को लग रहा था बंदा इसके ऊपर कहीं हो नहीं सकता, तो यहाँ पे टॉप में मेरे को लग रहा था बंदा बैठ रखा होगा। एक पहले मैं मॉली कर देता हूँ। अब ये जगह पे मैं पूरा घूम लेता हूँ, यहाँ पे भी बंदा मेरे को दिखता है नहीं। इसके बाद मेरे को लगा क्या पता बंदा इसके भी ऊपर बैठ रखा हो, तो मैं ऊपर जाता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे ये वाला बंदा इस जगह पे भी नहीं था। जैसे ही मैं ऊपर साइड पे आता हूँ, तभी मेरे को नीचे साइड से एक बंदे का भागने का साउंड आता है। अब यहाँ पे ये वाला बंदा कहाँ पे बैठ रखा था मेरे को तो बिल्कुल भी आइडिया लगता है नहीं। लेकिन अभी के लिए बंदा यहाँ से बच के सामने बाना उस पर जा चुका था, तो मैं सोचता हूँ डायरेक्ट अभी ये वाले बंदे पे रश कर देते हैं। एंड ये वाला बंदा यहाँ पे जैसे नीचे साइड पे कूदने का ट्राई करता है, ज़्यादा मैं मौका देता नहीं हूँ। अब यहाँ पे मैं सेंटर वाली साइड को जा रहा था, तभी ये वाला बंदा अपने ऊपर फायर कर देता है। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मैं आता हूँ ड्रॉप वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट में ही थोड़ी सी डैमेज थी, तो ये वाले ड्रॉप से अपने को एक न्यू लेवल 3 का वेस्ट मिल जाता है।
अब यहाँ पे सामने साइड पे एक बंदा लेट रखा था, बंदे को तो मैं जैसे से फिनिश कर देता हूँ, लेकिन आज ये वाले बंदे ने अपना शेयर पूरा डैमेज कर दिया था। अब ऐसी हालत में मैं ज़्यादा ओपन में घूम नहीं सकता था, लेकिन ये अपने को ये वाली जगह से एक बग्गी मिल जाती है। अब ये जगह पे आने से पहले राइट साइड में अपनी मैं फ्लेयर यूज़ करके आया था, लेकिन तभी मैं देखता हूँ लेफ्ट साइड में एक और बंदे ने फ्लेयर यूज़ करी है, तो मैं सोचता हूँ पहले ये वाले बंदे को मारने का ट्राई करूँ। ये वाले बंदे को यहाँ पे एक बॉडी शॉट पड़ता है, लेकिन इसके बाद बंदा मेरे को बता था पीक वगैरह देने का ट्राई करेगा नहीं, तो मैं सोच रहा था इससे पहले वो बंदा जोन में आए मैं थोड़ा यहाँ पे क्लोज इन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सामने वाले कंपाउंड में जा ही रहा था, तभी अपने पीछे वाली साइड पे एक बंदा मेरे को ओपन में भागता हुआ दिखता है। अब यहाँ पे क्या सीन होता है, राइट साइड से एक बंदा अपने को अच्छा सा डैमेज दे देता है। मेरे को पता था अपने सामने वाली साइड पे अभी एक और बंदा है, तो पहले मैं सोचता हूँ यहाँ पे रुक के हील कर लूँ, लेकिन सामने वाले बंदे को भी मेरे को पता है जोन के अंदर आना है, तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ अपनी बग्गी को थोड़ा स्मोक वगैरह करके निकाल के राइट साइड में जाने का ट्राई करता हूँ, ताकि ये वाला बंदा मेरे को स्पॉट हो जाए। अब यहाँ पे जैसे ही मैं बग्गी निकालता हूँ, राइट साइड से वापस से एक बंदा शॉट लेता है, एंड ये बंदे का स्प्रे देख के मेरे को इस बंदे पे थोड़ा सा डाउट हो गया था। फिलहाल के लिए यहाँ पे बग्गी थोड़ी सेफ लगा के पहले तो मैं हील कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था अभी सामने साइड से जो फ्लेयर ड्रॉप वाला बंदा था वो भी जोन के अंदर आएगा। एंड ये वाला बंदा यहाँ पे सामने साइड पे आके लेट गया था, हल्का सा मेरे को बंदे का हेड स्पॉट होता है, एंड ईजी इस बंदे को यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। फिलहाल के लिए ये वाले बंदे की पेटी से भी थोड़ी बहुत यहाँ पे मैं लूट कर लेता हूँ। अब ये वाले बंदे की पेटी से अपने को काफ़ी अच्छे खासे कॉइन्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे मेरा हेलमेट भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, तो मैं सोचता हूँ नीचे जाके अभी नए हेलमेट वेस्ट लेके आते हैं, और उसके साथ में एक फ्लेयर गन भी रिडीम कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 200 से ज़्यादा कॉइन्स थे। लेकिन यहाँ पे सामने वाली साइड पे ऑलरेडी एक बंदा था, एंड ये वाले बंदे का मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा था, तो अभी के लिए ये वाले बंदे से मैं फाइट लेने का ट्राई नहीं करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे अपना सामान उठाते हैं एंड निकलते हैं। अब ये वाली जगह पे मैं होल्ड करने का सोच रहा था, लेकिन ये जगह पे पहले से एक बंदा था, तो पहले ये वाले बंदे को फिनिश किया, लेकिन अभी भी यहाँ पे टोटल 6 बंदे अलाइव है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे जोन बनने का वेट कर लेते हैं, क्योंकि कौन बंदा कहाँ पे लेट रखा होगा मेरे को कोई आइडिया नहीं था। एंड अभी लकीली यहाँ पे इसके बाद वाला जोन भी अपने ऊपर बन जाता है, लेकिन मेरे को BRDM चाहिए था, तो मैं सोचता हूँ जोन के बाहर जाके एक बार फ्लेयर चला देते हैं। एंड अपना BRDM आने तक मैं सोचता हूँ अपने पीछे वाली साइड पे एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई बंदा लेट ना रखा हो। एंड ये वाले पत्थर के बीच में एकदम भाई खतरनाक वाला सांप लेट रखा था। फिलहाल के लिए अभी वापस यहाँ पे मैं सेफ जोन के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड में भी एक और बंदे ने किसी ने BRDM मंगवाया था, लेकिन तभी राइट साइड से कोई बंदा मेरे को डैमेज देता है। अब ये वाले बंदे को मैं देखने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा मेरे को कहीं पे स्पॉट होता नहीं, उतने में लेफ्ट साइड में दो बंदों की फाइट हो जाती है।
अब यहाँ पे दो बंदे बचे हैं, एक बंदा राइट साइड में, दूसरा बंदा है फुल ग्लेशियर वाला अपने लेफ्ट साइड में। फिलहाल के लिए मैं सोचता हूँ यहाँ पे अपने वीआरडीएम को जोन के अंदर लेके आते हैं। लेकिन उतने में क्या सीन होता है, ये जो ग्लेशियर वाला बंदा था सामने राइट साइड वाले बंदे पे रश कर देता है। एंड अभी राइट साइड वाला बंदा यहाँ पे दूसरे ग्लेशियर वाले बंदे को मार देता है। अब ये ना वही बंदा था जिसने कि अपने ऊपर पहले स्प्रे वगैरह लिया था, और ये बंदे का मेरे को थोड़ा सा डाउट ही लग रहा था। लेकिन यहाँ पे अपने पे AWM प्लस 8x है, तो सामने वाला बंदा इवन हैकर भी है तब भी मैं पिक कर सकता हूँ, उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अभी यहाँ पे देखना क्या सीन होता है। अब यहाँ पे अगर आपने मेरी हेल्थ नोटिस की होगी तो सामने वाले बंदे ने ऑलमोस्ट मेरे को फिनिश कर दिया था। अब या तो ये वाला बंदा कुछ ज़्यादा अच्छा प्लेयर था जो कि AWM के सामने भी एकदम ओपन में पिक करके मेरे को इतना डैमेज दे दिया, या तो बंदा कोई चीटर था। ये बंदे का मैंने अकाउंट भी सर्च करके देखा था तो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का अकाउंट था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, क्या पता सामने वाला बंदा काफ़ी अच्छा प्लेयर हो। फिलहाल के लिए चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले पे। अभी जस्ट यहाँ पे मैं जोन के अंदर आ ही रहा था तभी मेरे को सामने वाले कंपाउंड की छत पे एक बंदा स्पॉट होता है। ये वाला बंदा शायद से किसी और बंदे को देख रहा था, लेकिन इजी मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अभी के लिए जोन के सेंटर वाली साइड पे ये वाला शेक मेरे को सही लगता है, तो अभी के लिए यहीं पे होल्ड करते हैं। एंड इसके बाद वाला जोन भी लेके लिए फिलहाल के लिए अपने ऊपर ही बन जाता है। तभी यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड से एक मेरे को बग्गी का साउंड आता है। अभी साथ में यहाँ पे आप किल फीड नोटिस करो, सामने वाली साइड पे एक बंदा दूसरे बंदे को बग्गी से फिनिश करता है। लेकिन उस टाइम पे मैंने किल फीड सही से नोटिस किया नहीं था, मेरे को लग रहा था ये वाला बंदा खुद ही बग्गी से गिर के फिनिश हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे सामने वाली साइड पे जब स्मोक होता है, मैं समझ जाता हूँ सामने वाली साइड पे अभी एक और बंदा है, तो यहाँ पे एक मैं मॉली ट्राई करता हूँ। एंड ये वाला बंदा यहाँ पे पहली मोली से फिनिश हो गया, सेकंड मोली अपनी एक वेस्ट हो जाती है। बग्गी वाले बंदे को मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ, लेकिन यार बंदा फिनिश होता नहीं है। लेकिन मेरे को पता था ये वाले बंदे को जोन के अंदर तो आना ही है। अब यहाँ पे राइट साइड वाला बंदा तो मेरे को स्पॉट नहीं होता है, लेकिन तभी लेफ्ट साइड में मेरे को एक और दूसरा बंदा दिखता है। ये वाला बंदा भी शायद से राइट साइड वाले बंदे का वेट कर रहा था, इजी मैंने फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन अपने से काफ़ी दूर शिफ्ट हो गया था। एंड अभी यहाँ पे अपने को छोड़ के सिर्फ तीन बंदे और लाइव बचे हैं, पहले तो यहाँ पे जल्दी से मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे राइट साइड वाले कंपाउंड से एक बंदा किसी बंदे को फिनिश करता है, जो दूसरा बंदा था मेरे को लेफ्ट साइड वाली छत से कूदता हुआ दिखता है। अब यहाँ पे लास्ट के दोनों बंदों की लोकेशन का मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया था, लेकिन इसके बाद वाला जोन अपने से वापस काफ़ी दूर शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ पे मेरे को भी जोन के अंदर आना है, लेफ्ट साइड वाले बंदे को भी जोन के अंदर आना है। लेफ्ट साइड वाला बंदा तो ओपन में लेट रखा था, इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए लास्ट बंदा आना ही जो कि सामने कंपाउंड पे ही है। एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है, लास्ट वाले बंदे को भी एकदम इजी फिनिश कर दिया। बाकी अगर ये वाले गेम की बात करें तो ये वाले गेम में अपने बच्चे का सिर्फ 42 पॉइंट्स का प्लस मिल गया था। तो गेम प्ले अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगे तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आप में से काफ़ी सारे लोग गेम प्लेस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर आपको ऐसे ही रैंक पुशिंग के गेम प्लेस देखना पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करो। और बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो या कुछ बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पर आके मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।